हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और भी ज़्यादा कस्टमर को गेन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और भी ज़्यादा कस्टमर गेन कर पाएंगे और भी ज़्यादा अपने रिवेन्यू को जनरेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस ऐप के इंटरफेस पर आकर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस ऐप को यहां से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां से पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं यहां से इसको ओपन करूंगा। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा जो कि डिजिटल शोरूम का ऑफिशियल इंटरफेस है। तो आपको सिंपली यहां पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका बिजनेस नेम पूछेगा। तो जैसे कि मेरा तो अभी कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नेम ही दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम यहाँ पर दे दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर अपना बिजनेस नेम देना है, ना कि आपके कोई यूट्यूब चैनल का लिंक या नेम। तब फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तब फ्रेंड, आपको यहाँ पर अपना लोकेशन अलाउ कर देना है। तो आप जैसे ही अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अलाउ हो जाएगा और आपको यहाँ पर अपने दुकान का लोकेशन दे देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने दुकान का लोकेशन दे देता हूँ, जैसा कि मैं कुछ भी दे देता हूँ अभी, क्योंकि मेरा तो कोई दुकान नहीं है। अगर आपके दुकान का लोकेशन जहाँ पर है, आप यहाँ पर लोकेशन दे सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक डिटेल का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, जिससे कि आपका पैसे आपके बैंक अकाउंट में सेफली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फ्रेंड, अभी मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर दूंगा आई विल डू इट लेटर। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और आपकी स्टोर खुलकर तैयार हो जाएगी। ये 2 मिनट के अंदर आपका व्हाट्सएप स्टोर डिजिटल स्टोर बनकर तैयार हो चुका है। तो सिंपली आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त इंटरफेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस यहाँ का दिखाई दे रहा है इस डिजिटल स्टोर का। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऐड योर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर इमेज डाल देना है। आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आपका जिस चीज़ से रिलेटेड दुकान है, जिस चीज़ की शॉप है, तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सिंपली आप इस इमेज अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब जैसे ही अलाउ कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। आपको सिंपली फिर से अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप सिंपली चाहे तो अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट फोटो भी खींच सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को अपने गैलरी से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली मैं गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे गैलरी ओपन हो जाएगा। तब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिंपली अपने प्रोडक्ट का जो भी फोटोज मैंने लिया है उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के फोटोज को ऐड कर दूंगा। तो सिंपली मैं अपने प्रोडक्ट के फोटोज को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ये बुक बेचना चाहता हूँ या बुक सेल करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस बुक को क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको सिंपली इस पर राइट बटन पर क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट का इमेज जो है वो यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा इमेज का प्रोडक्ट यहाँ पर, प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट का एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का कोई नाम दे देता हूँ। तो आपको सिंपली जिस चीज़ का प्रोडक्ट होगा आपको उसका नेम दे देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का नाम दे देंगे तो आपके सामने फिर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पर प्राइस दे देना है। तो मैं यहाँ पर प्राइस दे देता हूँ 100 रुपीज़। और 100 रुपीज़ देने के बाद अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह देना है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो सिंपली मैं यहाँ पर अगर डिस्काउंट देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट दे सकता हूँ, पर अभी मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी चूज कर लेना है। तो ये मेरा बुक है, तो मैं यहाँ पर बुक चूज कर लेता हूँ। आपके प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, टाइप कर देना है। तो फ्रेंड,
फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने चाहे तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ और ऐड आइटम पर क्लिक करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको सिंपली ऐड आइटम पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आपका व्हाट्सएप स्टोर बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके प्रोडक्ट कहाँ दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे आपके यूजर्स को। तो सिंपली आप मार्केटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा शेयर स्टोर लिंक। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना व्हाट्सएप खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप में इस स्टोर लिंक को शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप खुलकर सामने आ चुका है। तो सिंपली मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूँगा और इस लिंक को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा। तो सिंपली आप अपने स्टोर का लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप जैसे इस पर शेयर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। आप जैसे ही शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये शेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अपने स्टोर का लिंक, जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये स्टोर का लिंक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो फ्रेंड ये स्टोर आपके यूजर्स को कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो सिंपली वो ऐड कार्ड पर क्लिक करेगा और आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा, आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो फ्रेंड इस तरह आपका यूजर यहाँ से प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप और किस किस तरह से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर से ले चलता हूँ अपने डिजिटल स्टोर पर। तो फ्रेंड जैसे ही मैं आपको अपने डिजिटल स्टोर पर लेके जाता हूँ तो आपका तो इंटरफेस कुछ है इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा माय रिवॉर्ड्स। आप जैसे ही अपना पहला प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 5 रुपीज़ मिलते हैं और आप जैसे ही अपना सेकंड प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे कि मैंने जैसे ही अपना फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किया तो मुझे 5 रुपीज़ रिवॉर्ड मिल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 5 रुपीज़ रिवॉर्ड मिल चुके हैं। तो आप भी जब अपना पहला प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको 5 रुपीज़ रिवॉर्ड तुरंत मिल जाएंगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से और किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आप बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप अपना लिंक जो कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और अगर आपका फ्रेंड्स इस लिंक के थ्रू अपने डिजिटल स्टोर ओपन करता है और वो अपने पहला प्रोडक्ट ऐड करता है तो आपके फ्रेंड को भी 5 रुपीज़ मिलने वाले हैं और आपको भी 5 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने डिजिटल स्टोर ओपन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।